ने बना रखे हैं आज पहली बार सैंडविच। गुलू बंद कर इसको जरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं हूँ संगीता रावत उत्तराखंड के देहरादून से। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से, यानी कि अभी बज रहे हैं 9 और मेरे यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। और आज है संडे तो इसीलिए थोड़ा लेट ही हो रहा है नाश्ता। और आज यह मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि कल शाम को इतनी तेज़ बारिश आई, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और उस कारण से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और अभी काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह गया और उसके बाद नहाना धोना करेंगे। और आज हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह, जा रहे हैं हम घूमने, तो देखते हैं कितने देर में जाते हैं। 11 बजे का टाइमिंग है। और आज मेरी बेटी ने बना रखा है नाश्ता, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा करा तो उसने बना रखा है नाश्ता। नाश्ते में क्या बना रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हमारा नाश्ता हो रहा है और आज आरुषि ने बना रखे पहली बार सैंडविच। उसने बोला मम्मी मैं सैंडविच बनाऊँगी, तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखना रही आरुषि कैसे है, क्या क्या डाला है इसके अंदर? प्याज, टमाटर और खीरा और मेयोनीज और सॉस। अरे वाह, और वो लेके आ गई अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए। और रुई टेस्ट करके बताएगी कैसा है रुई, ठीक है? हाथ से कर ले। मैंने खाया। कैसा है? अच्छा है। गोलू आपने आपने खाया? हाँ। खाओ। नहीं खाया मैंने। खाओ फिर। आरुषि का सारा बहुत अच्छा। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं 11 और मेरी तैयारी हो रही है मंदिर जाने की। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। तो आज वहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, वार्षिक भंडारा होता है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और मैंने बच्चों को भी बोला चलो, लेकिन मेरी बेटी नहीं आ रही है, वो बोले हमें स्कूल का काम करना है। और मैं और गोलू जा रहे हैं और आगे से मेरी दोस्त जा रहे हैं। तो अभी टाइम थोड़ा है, लेकिन मेरे को उससे पहले जाना है ट्यूशन का, पीटीएम है, तो ट्यूशन में भी पीटीएम होता है, तो मैम ने बुला रखा है। तो मैं थोड़ी देर वहाँ रहूँगी और तब तक करूँगी मैं उनका वेट। और अभी थोड़ा टाइम है तो मैं गोलू आ गए अपने दोस्त के घर में, वो अभी रेडी नहीं हो रखे, तो हम थोड़ी देर उनका वेट कर रहे हैं उनके घर पर। तो हम यहाँ पर आ गए और गोलू को मिल चुकी है यहाँ पर गन। ऐसे चाहिए आपको? चलो ऐसे गन लानी पड़ेगी। गोलू को ये वाली गन बहुत पसंद आ गई। तो अभी देखो तैयारी नहीं हो रही है, 11:30 बजे का टाइम था, 15 मिनट और है अभी, तो देखते हैं कितना। फायर फायर फायर। तो ये मेरी दोस्त भी हो चुकी है रेडी और उसके बच्चे भी हैं, ये दोनों बच्चे भी आ रहे हैं उसके, और मेरे बच्चे तो आए ही नहीं, बेटी। चलो हो गया। देखो जा रहे हैं, मैं तो पहली बार जाऊंगी। अच्छा आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो? हाँ। देखो हम तो पहले भी जा रखे हैं। मैंने कहा आज मेरे को भी घुमा के ले आओ वहाँ से, ठीक है? और ये है, और अभी एक दोस्त और आ रही है। हेलो कार्तिक, स्माइल कर रहा है पीछे से छुप छुप के, क्यों? ये स्माइल ही ज्यादा करता है, इसका नाम ही स्माइली है। गोलू मोलू है, गोलू मोलू ज्यादा स्माइल करते हैं। मेरा नाम तो कार्तिक है, मैंने क्या बोला फिर? नहीं, मैं बोली ना ये स्माइली है, तो बोला नहीं मेरा नाम कार्तिक। अच्छा चले, चलो आ जाओ। ये देखो सुबह तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था, लेकिन अभी इतनी तेज धूप हो रखी है ना, आंखें भी नहीं खुल रही बाहर आके। चलो कोई नहीं, वहाँ तो एकदम जंगल जैसा है और पेड़ हैं, छाया रहेगी, अच्छा अच्छा सा फील होगा वहाँ पे। तो वहाँ तो ज़्यादा धूप लगने वाली नहीं है हमको, पेड़ों के नीचे रहेंगे हम आराम से, है ना गोलू? और बार कैसे निकालते हो? इसको इसको आंटी प्रणाम, हमारी हेल्प लेंगे। ओ आज अकेले कहाँ गई? और एक और आ रही है, आई नहीं अभी, आ गई आ गई, एक और दोस्त आ गई हमारी। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, हेलमेट लाओ। हेलमेट नहीं लाए? हेलमेट लाए। और अब एक दोस्त और पहुंच गई हमारी, ये देखो अपने एक बच्चे के साथ, दो बच्चे उनके और एक बच्चे मेरे। फोन देखो, हाँ फोन रख दो अंदर, गिरे ना, गिर जाएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हमने अपनी स्कूटी पार कर दी है और हम मेन रोड से अंदर में आए, और हम तीनों अपनी अपनी गाड़ी से आ रहे थे और ये कर दी हमने यहाँ पे स्कूटी पार। और यहाँ इतना अच्छा व्यू है ना, पूरा जंगल ही जंगल है ना, गिर बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा गर्मी ना हो, धूप ना हो, तो बहुत अच्छा। हेलो बच्चों, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा। अब जाते हैं अंदर मंदिर में और देखते हैं कितनी भीड़ है, दर्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो जय लक्ष्मण सिद्ध की जय। चले प्रॉब्लम दे दो, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आते थे,
हाईवे पे नहीं आते थे, लेकिन इस बार हम आ चुके हैं। चलो बच्चे ये देखो, ये है श्री लक्ष्मण सिद्ध बाबा की जय। ये वाला प्रसाद है 100 रुपए का, वो है 150 का। चलो चप्पल रख, बोलो स्लीपर निकालो। हमने भी ले चुका है यहाँ पे प्रसाद और अब चलते हैं हम अंदर। आओ बच्चा सैंडल निकाल लेते हैं। अभी अभी हम आ चुके हैं अंदर से दर्शन करके, और हमारा देखो टीका लग रहा था, ये जो हवन का टीका होता है वो वाला टीका लगा है, पर हमको मिल चुका है यहाँ पे प्रसाद और अभी हम खा रहे हैं प्रसाद और उसके बाद थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये देखो मंदिर, ये है मंदिर, तो छोटा सा ही है और यहाँ पे लोगों ने धूप धूप जला के इतना धुआं धुआं हो रखा है। बोलो जरा कुछ, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, फिर खाओ बोलो, हलवा खाते हैं बेटा। और यहाँ पे हो रहा है भंडारा और यहाँ पे खाएंगे हम अभी छोले पूरी। तो यहाँ पे भंडारे में बहुत भीड़ हो रखी है, ये देखो बोलो पूरी खाएगा, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। प्रसाद है, ये है हमारा प्रसाद और ये गोलू का पानी, गोलू को तो पहले पानी चाहिए। मिल गया गोलू का चावल, देखो कितना से दे रहेगा, मैंने बोला उनको थोड़ा देना तो बहुत ही कम दे रहे, मुझे कड़ी चाहिए थी यार, कड़ी दे रहे थे ना वो। ये देखिए यहाँ पे था टेंट भंडारा, जहाँ पे भंडार हो रहा था वहाँ पे हमने खाना खाया, और ये पूरा जंगल है देखो इधर, ये बैठने के लिए झोपड़ियाँ बन रखी है, और ये यहाँ पे छोटे छोटे से झूले झाले लगा रखे हैं, और गोलू भी इंतजार करा है कि कब मुझे उसमें बिठाएंगे, और यहाँ पे आइसक्रीम भी लगा रखी है लोगों ने, स्टॉल लगा रखे आइसक्रीम के। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं अभी। बोलो यार, तो अभी हम आ चुके हैं खाना खा के, गोलू ने खाया और अभी हम खाना खा के आ चुके हैं, और यहाँ इतने सारे कीड़े जा रहे हैं ना आँखों में, बस जो भी देख रहा है ऐसे ऐसे करने में लग गया, बहुत कीड़े आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आप घर को, पेट पूजा हो गई, दर्शन भी हो चुके हैं मंदिर में, अब चलते हैं सीधा घर पे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं घर में, बहुत जल्दी आ गए हम, 11 बजे गए थे और 1:30 बजे घर पे भी आ गए। और मेरे बच्चे क्या कर रहे थे पता, घर पे क्या कर रहे थे गोलू पढ़ाई, और अभी गोलू भी करेगा पढ़ाई दीदी के साथ। शाम के बज चुके हैं 5 और आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई है, बुखार जुकाम हो रहा था, मैंने दवाई खा रखी है, इसलिए मैं आज वॉकिंग पर नहीं जा रही हूँ और आज मैं इधर ही घूम रही हूँ कॉलोनी में। और अभी जाऊंगी मैं मंडी, क्योंकि आज है मंडी, और रूही का भी कुछ दांतों का थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, तो देखती हूँ अगर कोई अच्छा सा डॉक्टर पूछूंगी, किसी को अच्छा डॉक्टर होगा तो रूही के थोड़ा दांत दिखाती हूँ मैं, और उसके बाद जाऊंगी मैं सीधा मंडी में, ठीक है। और हाँ हाँ दिखा रही हूँ भाई अच्छे से। हेलो गाइस, ये देखो अच्छे से गेहूँ पक चुके हैं लोगों के, अब काटेंगे और सीधा ही मशीन में उसको। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे, रूई के दांत भी मैंने ठीक करवा दिए, ठीक क्या करा दिए, उसके जो पहले के दांत टूटे नहीं थे और दूसरे दांत बाहर से आ जा रहे थे, तो इसलिए उसके 2 दांत निकल आए मैंने, और वहीं से हम मंडी भी गए, तो मंडी से भी आ चुकी हूँ मैं घर में। और आज का ब्लॉग यही था, जो था जितना था मैंने दिखा लिया है, और इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ, रूही बहुत ज़्यादा खुश हो गई, कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।